गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी डिस्कस हियर क्लास 9th सब्जेक्ट केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1st. नाउ इन दिस वीडियो वी एक्सप्लेन इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर बाय हीटिंग अ सॉलिड कैन बी कन्वर्टेड इंटू लिक्विड स्टेट. जैसे ही हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं अ सॉलिड कैन बी कन्वर्टेड इंटू लिक्विड स्टेट. सॉलिड कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड स्टेट में एंड लिक्विड कैन बी कन्वर्टेड इनटू गैसेस स्टेट और लिक्विड कन्वर्ट हो जाता है गैसेस स्टेट में. ओके, गैस स्टेट मीन्स वेपर स्टेट. एंड बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर बाय कूलिंग. जैसे ही हम टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं मीन्स ए कूलिंग स्टेट होगी. गैस कैन बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट. तो गैस कन्वर्ट हो जाती है लिक्विड स्टेट में एंड लिक्विड स्टेट कैन बी कन्वर्टेड सॉलिड स्टेट. ओके, तो इस प्रकार से जैसे ही हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं सॉलिड कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड स्टेट में और लिक्विड कन्वर्ट हो जाता है गैसेस स्टेट में. जैसे ही हम टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं तो जो हमारी गैसेस स्टेट हैं वो कन्वर्ट हो जाती हैं लिक्विड स्टेट में और लिक्विड स्टेट है वो कन्वर्ट हो जाती हैं सॉलिड स्टेट. ओके, दिस पॉइंट विल बी बिकम्स मोर क्लियर फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्कशन. इस पॉइंट को क्लियर करने के लिए हम कुछ जैसे नंबर फर्स्ट इसमें हम क्लियर करेंगे. जैसे नंबर फर्स्ट है हमारा सॉलिड टू लिक्विड चेंज. सॉलिड टू लिक्विड चेंज मीन्स होता है मेल्टिंग. ठीक है, मेल्टिंग का मीन्स पिघलना. इफ वी हीट आइस इट चेंजेस इनटू वाटर. जैसे ही हम क्या करते हैं आइस को हीट करते हैं इट चेंज इनटू वाटर. तो ये क्या होता है, चेंज हो जाता है वाटर में. इन दिस केस अ सॉलिड आइस चेंजेस इनटू लिक्विड वाटर मीन्स है सॉलिड आइस जो होता है वो चेंज हो जाता है लिक्विड वाटर में. सो ए चेंज ऑफ स्टेट हैज़ टेकन प्लेस. ठीक है, तो इस प्रकार से स्टेट उसकी चेंज हो जाती है सॉलिड से. जैसे ही हम टेम्परेचर को क्या करते हैं या हीट देते हैं मीन्स है कि जैसे ही हम टेम्परेचर को इनक्रीज करते हैं तो ये सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है. द प्रोसेस इन विच अ सॉलिड सब्सटेंस चेंज इन टू अ लिक्विड ऑन हीटिंग. जैसे ही कोई सब्सटेंस सॉलिड से लिक्विड स्टेट में चेंज होता है ऑन हीटिंग. ठीक है, जब उसको हीट देते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं हम मेल्टिंग और फ्यूज़न. ओके, क्या बोलते हैं, मेल्टिंग और फ्यूज़न. सो व्हेन आइस चेंज इनटू वाटर ऑन हीटिंग. जब हम क्या करते हैं आइस को चेंज करते हैं, आइस फॉर्म में होता है वाटर, उसको चेंज करते हैं इनटू वाटर मीन्स है कि आइस को चेंज करते हैं वाटर में ऑन हीटिंग, हीटिंग के थ्रू इट इज़ कॉल्ड मेल्टिंग ऑफ आइस. इसी को क्या बोलते हैं हम, मेल्टिंग ऑफ आइस बोलते हैं. ओके, मीन्स है जब कोई सब्सटेंस सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं हम, मेल्टिंग. ठीक है, अब आइस को कर रहे हैं तो मेल्टिंग ऑफ आइस. ठीक है, अ चेंज ऑफ स्टेट टेक प्लेस ड्यूरिंग मेल्टिंग. ठीक है, कि यहाँ पर क्या है कि चेंज किया है हमने स्टेट. ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, मेल्टिंग, और इसको बोल सकते हैं फ्यूज़न. ठीक है, द मेल्टिंग ऑफ सॉलिड सब्सटेंस टेक प्लेस ए फिक्स टेम्परेचर. और उसके लिए क्या होता है, फिक्स टेम्परेचर होता है. ठीक है, द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड सब्सटेंस मेल्ट एंड चेंज इनटू अ लिक्विड स्टेट एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सब्सटेंस. मीन्स है द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड सब्सटेंस मेल्ट इंटू चेंज इंटू स्टेट लिक्विड एट एटमोस्फेरिक प्रेशर. एटमोस्फेरिक प्रेशर पर कोई सब्सटेंस सॉलिड से लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाता है. ठीक है, तो उसी टेम्परेचर को बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट. ओके, फॉर एग्जाम्पल आइस मेल्ट एट ए टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड. जो आइस है वो मेल्ट हो जाती है 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू फॉर्म लिक्विड वाटर. ठीक है, लिक्विड वाटर में. सो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड. ओके, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या है इसका, 0 डिग्री सेंटीग्रेड. एट मेल्टिंग पॉइंट आइस चेंज इनटू स्टेट फॉर्म सॉलिड टू लिक्विड. आइस चेंज हो जाती है सॉलिड से लिक्विड में. डिफरेंट सॉलिड हैव डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट्स. जितने भी सॉलिड्स होते हैं उनके सभी के डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड. आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है. द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वैक्स इज
63 डिग्री सेंटीग्रेड। बैक्स मीन्स मोम, ठीक है। तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है 63 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। वेर इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन इज 515 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो इस प्रकार से 1535 डिग्री सेंटीग्रेड होता है किसका, ये जो मेल्टिंग पॉइंट होता है आयरन का होता है, ठीक है, वेरी हाई होता है। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड इज अ मेजर ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल, मीन्स मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड इज अ मेजर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल, ठीक है। तो क्या होता है कि जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो सॉलिड का, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो पार्टिकल होते हैं उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से होता है, पार्टिकल्स का मीन्स एटम और मॉलिक्यूल से। हायर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड सब्सटेंस, तो मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो सॉलिड्स का हायर होता है, ग्रेटर विल बी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आपको पता है कि जो सॉलिड्स पार्टिकल होते हैं वहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है बिटवीन इट्स पार्टिकल, ठीक है, पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन मेटल इज वेरी हाई, ठीक है। आयरन मेटल का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वेरी हाई होता है, अप्रोक्स कितना 1535 डिग्री सेंटीग्रेड। विच टेल अस दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल ऑफ आयरन इज वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। जो हमें यह बताता है कि आयरन के बीच जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। वी विल नाउ डिस्क्राइब हाउ ए सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड स्टेट ऑन हीटिंग, ठीक है, कि हम इसमें थोड़ा चेक करेंगे कि सॉलिड से लिक्विड स्टेट में कैसे चेंज करते हैं हीटिंग के थ्रू। व्हेन ए सॉलिड इज हीटेड सफिशेंटली इट चेंज इन अ फिजिकल स्टेट एंड बिकम ए लिक्विड स्टेट, कि जैसे ही हम किसी भी सॉलिड्स को क्या करते हैं हीटिंग करते हैं तो वो चेंज हो जाता है उसकी स्टेट सॉलिड से लिक्विड स्टेट। दिस हैपन एज फॉलोज व्हेन ए सॉलिड सब्सटेंस इज हीटेड, जब हम सॉलिड सब्सटेंस को क्या करते हैं हीट करते हैं, द हीट एनर्जी मेक इट्स पार्टिकल वाइब्रेट मोर वर्जिलियस, जैसे ही हम किसी भी पार्टिकल को हीट करते हैं तो वो वाइब्रेट होने लगते हैं। एट द मेल्टिंग पॉइंट द पार्टिकल ऑफ ए सॉलिड हैव सफिशेंट काइनेटिक एनर्जी टू ओवरकम द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होल्डिंग, तो जो पार्टिकल्स, जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं उनकी एनर्जी, ठीक है, हाई होती है और वहाँ पे स्ट्रॉन्ग ऑफ फोर्सेस होता है, वो आपस में क्या कर सकते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे में पकड़े हुए होते हैं एक दूसरे को, ठीक है, वहाँ पे पास पास होते हैं इन फिक्स्ड पोजिशन एंड ब्रेक टू फॉर्म स्मॉल ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स, मीन्स है जैसे ही उसको हीटिंग हीट देते हैं तो पार्टिकल्स क्या होने लगते हैं, ब्रेक होने लगते हैं, ठीक है, स्मॉल स्मॉल ग्रुप में ब्रेक्स हो जाते हैं एंड द सॉलिड मेल्ट टू फॉर्म ए लिक्विड। तो इस प्रकार से सॉलिड क्या हो जाता है, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ओके। कि जैसे ही क्या करते हैं हम किसी भी सॉलिड्स को हीट प्रोड्यूस करते हैं तो आफ्टर सम टाइम जो पार्टिकल्स जो एक दूसरे को क्या होते हैं वेरी क्लोज होते हैं वो पार्टिकल्स, ठीक है, स्लोली स्लोली दूर होने लगते हैं, ठीक है, फार होने लगते हैं और वो सॉलिड जो है वो कन्वर्ट हो जाता है गैसेस स्टेट। सेकंड है सॉलिड टू गैसेस चेंज, सॉलिड टू गैस चेंज मींस बॉइलिंग, ठीक है, बॉइलिंग, इसको वेपराइजेशन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वेपराइजेशन। वाटर नॉर्मली एक्सिस्ट इन द लिक्विड स्टेट, वाटर जनरली क्या किस में पाया जाता है, लिक्विड स्टेट में होता है। इफ़ वी गो ऑन हीटिंग वाटर, जैसे ही हम क्या करते हैं वाटर को हीट देते हैं इट अल्टीमेटली स्टार्ट बॉइलिंग और ये क्या होने लगता है, बॉयल होने लगता है एंड चेंज रैपिडली इनटू गैस स्टीम और चेंज हो जाता है गैस में कॉल्ड स्टीम, इसको क्या बोलते हैं हम, स्टीम। इन दिस केस द लिक्विड वाटर चेंज इनटू इज अ गैस, जो लिक्विड वाटर होता है वो चेंज हो जाता है गैस स्टेट में, सो ए चेंज ऑफ स्टेट हैज़ टेकन प्लेस। तो इस प्रकार से यहाँ पर स्टेट चेंज हो जाती है। द प्रोसेस इन विच ए लिक्विड सब्सटेंस चेंज इनटू अ गैस, जो सब्सटेंस लिक्विड स्टेट से गैसेस स्टेट में चेंज हो जाते हैं ऑन हीटिंग, हीटिंग के थ्रू, उसको क्या बोलते हैं, बॉइलिंग, ठीक है, जो लिक्विड से चेंज हो जाते हैं रैपिडली गैसेस स्टेट में उसको क्या बोलते हैं, बॉइलिंग। सो व्हेन वाटर चेंज इनटू स्टीम रैपिडली ऑन हीटिंग, जैसे क्या होता है वाटर चेंज होता है स्टीम में
ऑन हीटिंग, हीटिंग के द्वारा इट इज कॉल्ड बॉइलिंग ऑफ वाटर। इसी को क्या बोलते हैं, बॉइलिंग ऑफ वाटर। ओके, अ चेंज ऑफ स्टेट टेक प्लेस ड्यूरिंग बॉइलिंग, अ चेंज ऑफ स्टेट, ठीक है, यहाँ पर क्या होती है, स्टेट चेंज होती है ड्यूरिंग बॉइलिंग, ठीक है, बॉइलिंग के दौरान। द बॉइलिंग ऑफ लिक्विड टेक प्लेस एट ए फिक्स टेम्परेचर, किसी भी लिक्विड को हम क्या करते हैं, एक फिक्स टेम्परेचर पर बॉइल करते हैं। द टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड बॉइल एंड चेंज रैपिडली इनटू गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, किसी भी टेम्परेचर को लिक्विड से सॉलिड में चेंज करने के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है, उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। ओके, इज कॉल्ड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। फॉर एग्जाम्पल व्हेन वाटर इज हीटेड टू टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस, जैसे ही हम वाटर को हीट करते हैं, ठीक है, और 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देते हैं, इट्स बॉयल, और ये बॉयल होने लगता है रैपिडली टू फॉर्म ए गैस कॉल्ड स्टीम, और ये क्या होने लगता है अचानक से ही, मतलब तेजी से गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। सो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस, इस प्रकार से बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है।